धाम में तो कोई बिना निमंत्रण के प्रवेश नहीं कर सकता है। हमें मौका मिला है गिरिराज जी के आश्रम में आने का। सारे भगवान के भक्तों में से ये जो गोवर्धन पर्वत है ये बहुत ही महिमा मंडित है। गोवर्धन को हरि के रूप में भी पूजा जा सकता है क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान है, भगवान से अभिन्न है। हरे तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि इस वैकुंठ जगत से परे भी एक लोक है भगवान का जिसको मथुरा लोक बोला जाता है और वो मथुरा वैकुंठ से उत्तम है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान निवास करते हैं बस, मगर मथुरा में तो भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का जन्म स्थान है मथुरा, तो उसकी महिमा ज्यादा है वैकुंठ से। फिर रूप गोस्वामी बताते हैं इस मथुरा से ऊपर भी एक और धाम है भगवान का जिसको श्री धाम वृंदावन कहा जाता है और वो मथुरा से भी उच्च है क्योंकि मथुरा में तो केवल प्राकट्य हुआ, मथुरा को तो छोड़ के चले गए थे भगवान। उसके बाद जो अपनी सारी लीलाएं करी कहाँ पे करी? वृंदावन धाम की। फिर रूप गोस्वामी बताते हैं इस वृंदावन से ऊपर है वो है जिस स्थान पर आप आए हैं श्री गोवर्धन धाम की। वृंदावन में भगवान ने लीलाएं करी मगर गोवर्धन को तो अपने हाथ में उठा लिया। मगर हाँ, गोवर्धन से भी ऊपर एक स्थान है वो है श्री राधा कुंड धाम की। ये राधा कुंड ये तो पूरा भगवान के प्रेम से बना हुआ है। इट इज ऑल मेड अप ऑफ द एम्ब्रोशियल ओशियन ऑफ द नेक्टर ऑफ द लव ऑफ गॉडहेड। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि हम लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं जिनसे पुण्य मिलता है, दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, वस्त्र बांटते हैं, अलग अलग स्थानों पे आप दर्शन करने जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, काशी जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, गया जाते हैं, नैमिषारण्य जाते हैं, अलग अलग स्थानों पे दर्शन करते हैं, उसका बहुत पुण्य मिलता है आपको। तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है इन सारे पुण्यों को आप मिला दीजिए, जो आपने सारी तपस्याएं करी, सारे दान पुण्य किए, अलग अलग तीर्थ यात्राएं करी, इन सारे पुण्यों को मिला दें और आप एक बार गोवर्धन आए तो गोवर्धन में जो फल मिलेगा इन सारे पुण्यों का आपको 10 बिलियन टाइम्स आपको फल मिल जाएगा। और क्या करना है? केवल गोवर्धन में दर्शन मात्र से इतना पुण्य है। गोवर्धन धाम की। Oh,